नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले एक खबर निकल कर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान से अर्जेंटीना ने लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है और इसके तहत चीन और पाकिस्तान मिलकर अर्जेंटीना को JF-17 लड़ाकू विमान बेचेंगे और ये ऑर्डर एक तरह से कम्प्लीट हो चुका था। लेकिन दोस्तों, उस टाइम कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट का ये मानना था कि अर्जेंटीना कभी भी पाकिस्तान और चाइना से कोई भी लड़ाकू विमान नहीं ले सकता है और इसी को लेकर अब एक बड़ी खबर निकल कर आई है। और दोस्तों, आज से 3 दिन पहले ही अर्जेंटीना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कंफर्म किया है कि हमारा किसी भी तरह का कोई ऑर्डर पाकिस्तान या फिर चीन को नहीं दिया गया है और ना ही भविष्य में अर्जेंटीना पाकिस्तान या चाइना से कोई भी लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किसी भी तरह की ढील करने वाला है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि चीन और पाकिस्तान लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं कि दुनिया की कौन कौन सी कंट्री है जो कि पाकिस्तान और चीन से JF-17 खरीदना चाहते हैं और कई बार इस तरह की न्यूज भी फैलाई जाती है कि इस कंट्री ने हमारे साथ ये डील की है और इस तरह से ये अपने हथियारों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। लेकिन वही अर्जेंटीना के साथ जो इन्होंने अफवाह फैलाई थी वो पूरी तरह से गलत साबित हो गई है और अर्जेंटीना ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ना ही किसी तरह की कोई डिफेंस डील पाकिस्तान या चाइना के साथ की गई है और ना ही भविष्य में की जानी है। बल्कि अर्जेंटीना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनकी लिस्ट में जितने भी देशों के नाम है जिससे वो हथियार खरीदना चाहते हैं या फिर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, पाकिस्तान और चाइना उस लिस्ट में भी नहीं है और अगर लिस्ट में ही नहीं है तो फिर ऑर्डर देने की बात ही कहां से आती है। और ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान का जो झूठ था वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अर्जेंटीना की तरफ से ये बयान निकल कर आया, हम तो JF-17 को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, वैसे ही भारत ने अपना खेल शुरू कर दिया और भारतीय जो राजदूत हैं अर्जेंटीना के अंदर, उन्होंने अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर से बैठक की है और इस बैठक को बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी राजदूत का किसी भी दूसरे देश के डिफेंस मिनिस्टर से मिलना ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये इशारा करती है कि भारत बहुत ही जल्द कोई बड़ी डील अर्जेंटीना के साथ कर सकता है। और डिफेंस मिनिस्टर से मिलना यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि भारत अर्जेंटीना के सामने अपना प्रस्ताव रखने जा रहा है तेजस लड़ाकू विमानों को लेकर, और इसीलिए भारतीय राजदूत ने यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर से सीधे बातचीत की है। तो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन उठ कर आता है कि क्या अर्जेंटीना भारत के साथ कोई डील करेगा, क्या वह भारत के तेजस लड़ाकू विमान को खरीदेगा। तो यहाँ पर यही कहा जाएगा कि बहुत ही जल्द भारत ये डील करेगा और अर्जेंटीना भारत से बड़ी संख्या में तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले भारत को एक कमी दूर करनी होगी और कमी ये होगी कि ब्रिटेन ने जिस तरह से अर्जेंटीना को किसी भी तरह के डिफेंस पोर्ट पर बैन लगा रखा है और यहाँ पर भारत जो तेजस लड़ाकू विमान बना रहा है उसमें कई सारे पार्ट्स हैं जो ब्रिटेन के लगे हुए हैं, ऐसे में अगर तेजस से उन पार्ट्स को हटा दिया जाता है तो फिर अर्जेंटीना तेजस को डेफिनेटली खरीदने जा रहा है। और इसमें दोस्तों, भारत बड़ी आसानी से नॉर्मल प्रोसीजर के तहत काफी चेंजेस कर सकता है और तेजस लड़ाकू विमान को अर्जेंटीना के हिसाब से बना सकता है। और माना यह जा रहा है कि अब अर्जेंटीना पूरी तरह से तैयार हो चुका है और भारत इस डील को पूरा करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है और बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाहता है और यही वजह है कि अर्जेंटीना के साथ इस डील को भारत करने के लिए पूरा दमखम लगाने वाला है, क्योंकि इससे भारत को काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में बेनिफिट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका इस बड़ी डिफेंस डील पर क्या मानना है आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।